नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। बहुत से लोगों का कंसर्न होता है ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम से, वो लोग जूझते हैं कार में। जब कार पुरानी हो जाती है, उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता, तो कार होने लगती है ओवर ईट। इसमें आज बताएंगे तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि गाड़ी की हेड गैस्केट ही खराब है, जिस वजह से आपकी कार ओवर हीट हो रही है। बताऊंगा कि गाड़ी की हेड गैस्केट कैसे चेक करते हैं, जो बहुत ही सिंपल है चेक करने का। तो इसमें मैंने अभी रेडिएटर का जो कैप है उसको मैंने खोल दिया है, और इसमें हम थोड़ा सा क्या है, इसमें चार अंगुल के बराबर लगभग ये खाली है, देखिएगा कितना जाता है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने डाला, अभी और जाएगा। तो ये लगभग फुल हो चुका है, इतना जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार ये कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा। क्या होता है, जो ओवर होता है ना, रिजर्व टैंक में चला जाता है, तो हमको लगता है कि हमारी गाड़ी का कहीं से कूलेंट लीकेज है। और कूलेंट क्या होता है, ओवर जब ओवर फ्लो मारता है तो ये रिजर्व टैंक वाली पाइप है, इसमें से इधर जाने लगता है जब गाड़ी ज़्यादा ओवर हीट होती है तो। और मान लीजिए कंटिन्यू अगर रहता है तब आपकी गाड़ी का हेड गैस्केट खराब है। ये वाली जो आप पाइप देख रहे हैं, ये वाटर पम्प वाली है जो कंटिन्यू चलती है। अब मैं कार को करने जा रहा हूँ स्टार्ट, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आखिर हेड गैस्केट को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कार स्टार्ट हो चुकी है, और रेडिएटर का जो कैप खुला हुआ है वहाँ से बबल्स भी अभी बाहर आए। तो अब इसमें से आगे की प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कार की हेड गैस्केट को हम कैसे चेक करते हैं कि वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है या अभी कुछ बची है। तो क्या होता है, एकदम से हेड गैस्केट ख़राब नहीं हो जाती है कि आपकी गाड़ी एकदम से ओवर हीट होने लग जाएगी। होता यह है कि कार का जो हेड गैस्केट है वो धीरे धीरे करके ख़राब होता है, एकदम से नहीं ख़राब होता। अभी आप देख सकते हैं वाटर पंप वाली जो लाइन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, और यहाँ पे अब हमें ये पता चल रहा है कि हल्का फुल्का कूलेंट अभी गाड़ी में और चाहिए। और यहाँ पे मैं इसलिए कूलेंट डाला हूँ ताकि मैं आपको चेक करवा सकूँ कि कार की हेड गैस्केट जो है वो ख़राब है कि सही है। तो जब तक ये पूरी तरह से फुल नहीं रहेगा रेडिएटर का कूलेंट, तब तक ये पता नहीं चल सकता है। अब यहाँ पे मैं इसको फुल कर रहा हूँ जितनी बार भी, और क्या होता है गाड़ी स्टार्ट होती है तो कूलेंट को इंजन अपनी ओर सक करता है। अब यहाँ से अब देख सकते हैं मैं गाड़ी को कर रहा हूँ रेस, और रेस करते ही आप देखेंगे कि पहले कूलेंट अंदर की तरफ खींचता है, और इसके बाद रेस छोड़ते ही कूलेंट कुछ बाहर की ओर फेंकता है। तो ये होना नहीं चाहिए। अगर वास्तव में हमारी गाड़ी की जो हेड गैस्केट है 100% अगर सही रहेगी तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि हमारी जो कार की हेड गैस्केट है वो वीक हो चुकी है, उतना अब उसमें पावर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कई बार चेक किया तो लास्ट में ऐसा होता है, तो जब अब ये मान के आप चलिए कि जब हम गाड़ी चलाते हैं और एक्सीलेटर दिए रहते हैं तब तक तो ठीक है, कूलेंट को इंजन अपनी ओर शक करता है, लेकिन एक्सीलेटर छोड़ते ही वो कूलेंट कुछ बाहर की ओर आता है। यही कूलेंट हमारे रिजर्व टैंक में आता जाता है, और जब हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं तो होता यह है कि जो हमारा रिजर्व टैंक है वो फुल हो जाता है, इसके बाद कूलेंट करने लगता है ओवरफ्लो। तो एक गैस्केट की प्रॉब्लम होती है इसमें, लेकिन अभी जो मेरी कार की गैस्केट है, अभी मेरी गाड़ी इतना ज़्यादा चली भी नहीं है, 1,20,000 के समथिंग चली है, और इसमें अभी गैस्केट की प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन उतना भी नहीं है। और मेरी गाड़ी में अभी ओवर हीटिंग का कोई इशू भी नहीं है, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ। रिजर्व टैंक वाली वायर भी खोल दिया, पाइप भी खोल दिया मैंने, और यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ किसी भी टाइप का जो कूलेंट है वो लीक नहीं कर रहा है, रिजर्व टैंक की ओर भी नहीं आ रहा है। लेकिन जब ज़्यादा गाड़ी ओवर हीट हो जाती है तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है गाड़ी के साथ। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी गाड़ी क्या है, जैसे आप जिस मेथड से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें अगर आप कर सकते हैं तो आप घर पे चेक करिए इस तरह, अगर आपके साथ भी ऐसा। हाँ, एक्सीलेटर लेते ही अगर कूलेंट अंदर की ओर न खींचे तो मान के चलिए कि आपकी कार की हेड गैस्केट अच्छे से ख़राब हो चुकी है, उसको आप चेंज करवा लीजिए, और ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती। उसमें लेबर चार्ज ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली आती नहीं है। अब यहाँ पर मैं हर चीज़ अच्छे से चेक कर लिया, और मुझे ये पता चल गया कि लगभग मेरी कार की जो हेड गैस्केट है अभी 95% तक सही है, 5% उसमें कुछ डैमेज है। तो होता यह है कि गाड़ी जब ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है, ज़्यादा दूर तक हम लगातार चला देते हैं, थोड़ा इससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत है नहीं।
और इसी तरह मैं वीडियो में आपको बताता रहूँगा, छोटी छोटी वीडियो बना के गाड़ी के बारे में जागरूक करता रहूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।